हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आज का व्लॉग एक करजत का फार्म हाउस का होगा, जो एक्चुअली मैं अभी जस्ट मतलब कल रात को यहाँ पे आया था। और मतलब कल रात को मुझे बनाना था, लेकिन इतना क्लियर व्यू नहीं आता था और आपको क्लियरली बता नहीं पाता था, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको मॉर्निंग में बताऊँ। सो अभी आफ्टरनून है और अब मेरे पीछे देख सकते हो कि एंट्री, ये मैंगो ट्री फार्म हाउस है जो कि करजत में है। और इसका मेन गेट है मेरे पीछे, यहाँ उसका मेन गेट है, वहाँ से हम यहाँ तक चल के आए। और उसके बाद चल के आने के बाद इसका जो मेन एंट्री हमने यहाँ से लिया था, आपको दिखा दो मेन एंट्री। ये देखो, ये मेन एंट्री है, यहाँ से मेन एंट्री है और यहाँ से अब अंदर जाना है। और यहाँ पे जो मेन गेट है उसके बाजू में आपका रिसेप्शन है, ये रहा रिसेप्शन। ये रिसेप्शन में और इसका बोर्ड भी लगाया हुआ है, ये रिसेप्शन का बोर्ड लगाया हुआ है। और ये रिसेप्शन पे आप इसका पूरा इंक्वायरी कर सकते हो, इसका पूरा डिटेल्स निकाल सकते हो। और कभी आओ, मतलब अवेलेबल है नहीं है, फूड फूड मतलब लेना है नहीं लेना है, बुकिंग कैसा है, सो सारा डिटेल्स आपको रिसेप्शन में मिल जाएगा। उसका डिटेल्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। और इसे इधर का ख़ास बात ये मैंगो ट्री का कि यहाँ पे एक अलग सा पार्किंग दिया हुआ है यहाँ पे अंदर, जो कि सेफ़ पार्किंग है जो मेन गेट से उसके अंदर। मतलब इसके पहले भी मैं गया था तो उनको अलग से सेफ़ पार्किंग वगैरह का ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे उनको सेफ़ पार्किंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट है कि आप जैसे एंट्री मारोगे आपको सारा ये दिखेगा, चीकू का पेड़ मेरे पीछे दिख रहा है, ये सारा जो आपको लाइन में दिख रहा है बाजू बाजू में, ये सारा चीकू का पेड़ है। और यहाँ पे ये विला है, फिलहाल ये विला हमने लिया हुआ है, इसके साथ और एक विला हमने लिया हुआ है। सो वो मतलब हम लोग ने ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, और कुछ फंक्शन करना है तो वो भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। तो जो भी मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये सारा चीकू का पेड़ है, इसमें काफ़ी चीकू भी आए हुए हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, काफ़ी सारे चीकूस है। तो वो चीकू हम लोग जाने के पहले यहाँ से लेके जाएंगे, उन्होंने बोला है कि वो हमें निकाल के देंगे, तो वो हम लोग लेके जाएंगे। फ़िलहाल मैं बीच में से एंट्री लेता हूँ। सो ये रहा विला जो हमने लिया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे, ये रहा विला पूरा। यहाँ पे झूला भी दिया हुआ है, प्लस बोन फायर का भी ऑप्शन है, कैंप फायर भी है। ये विला है और यहाँ पे ये ग्रास भी काफ़ी क्लीन है, यहाँ पे कोई पेट्स वगैरह अलाउड नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब दे पेट्स कोई कोई फार्म हाउस पे पेट्स अलाउड होते हैं, पर ये फार्म हाउस पे पेट अलाउड नहीं है। और ये वाला विला मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों विला हम लोग ने बुक किया है फ़िलहाल। और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है और जो फूड का क्वालिटी है वो भी बेस्ट है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये सारे चीकू का पेड़ है, व्यू देख रहे हो, ये पूरा 3 एकर्स का ज़मीन है, मतलब 3 एकर्स का, पूरा 3 एकर्स का इनका ही है। इसमें काफ़ी पीस है, क्लीन है, पेट्स अलाउड नहीं है, इसके लिए आपको कोई गंदगी भी नहीं दिखेगी। और मतलब अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, फूड के लिए भी इन्होंने स्पेशली अलग से रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा है। ये मेरे पीछे देखो फूड का, यहाँ पे उनका किचन है और यहाँ पे ही आपको फूड वगैरह अवेलेबल होगा जब भी आपको मतलब आना होगा, तो यहाँ पे ही आपको फूड लंच जो भी एक टाइमिंग में करना है वो ये टाइम उनका टाइमिंग मेंशन किया हुआ है, वो टाइम पे करना। और मेरे पीछे स्विमिंग पूल है जो अभी फ़िलहाल ऑलरेडी बुक किया हुआ है और वो स्विमिंग पूल में इंजॉय करे। ये देखो, सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे ऑप्शंस है। पहली बात तो इसका 3 एकर्स में पूरा जगह 3 एकर्स का है, प्लस इन्होंने मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा हुआ है, मतलब फैमिली फंक्शन आउटिंग ऑफिस का आउटिंग कर सकते हो या कोई गेट टुगेदर कर सकते हो, तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के साथ या छोटा फंक्शन वगैरह भी आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, लाइक उन्होंने किचन उनका आइसोलेट किया हुआ है, दो विला रखा हुआ है, प्लस को छोटा फैमिली है या कोई कपल्स को आना है तो कॉटेजेस भी रखा हुआ है, प्लस उनका जो ग्रास वगैरह है एकदम नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई वगैरह मतलब पेट्स की वजह से वो काफ़ी क्लीन, पेट्स नहीं है तो उसकी वजह से काफ़ी क्लीन है। और खाने का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है, लाइक
मोस्ट ऑफ द फार्म हाउस में आप जाते हैं तो आपको सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में भुर्जी पाव और नॉर्मल टी या तो कोई तो एक तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, मतलब मेंदू वड़ा, इडली वगैरह, और आप मतलब काफ़ी ऑप्शंस है और आप खुद भी बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, तो डिनर में भी अच्छा ऑप्शंस है। प्लस कपल्स का इनका 4000 है, और मतलब ऐसे आ रहे हो तो उसका रेट्स वगैरह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। प्लस मैं अभी आपको विला के अंदर का व्यू दिखाता हूँ, कॉटेज जिसका मैं इसके अंदर शेयर करूँगा। अभी मैं हम लोगों ने विला का बुक किया है तो मैं विला भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा है। सो ये विला है, ये विला का एंट्री है, आप देख सकते हो। इन्होंने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, बीच में रास्ता भी दिया है। फिर वो जो विला मैंने आपको दिखाया था वो विला को क्रॉस करोगे सो आपको एक सामने गार्डन भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ये गार्डन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा गार्डन है। इसमें बच्चे लोगों को खेलने के लिए सीसॉ वगैरह भी है, फिर काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं यहाँ पे, और मतलब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो आपको खेलना है वो भी खेल सकते हो, और आप कॉटेज के रूम्स देख सकते हो। देखो ये पूरा जगह उनका ही है, ये कपल्स के लिए छोटे छोटे कॉटेज टाइप रूम है, ये भी अच्छा है, यहाँ पे शादी वगैरह फंक्शन वगैरह भी आप कर सकते हो। चलो मैं अभी आपको कॉटेज का रूम दिखाता हूँ अंदर से। अभी हम लोग एंट्री लेंगे और ये देखो एंट्री लिया। सो ये कॉटेज का रूम है, यहाँ पे दो रूम है तो एक रूम ओपन है तो मैं उसके अंदर का आपको दिखाता हूँ। तो आपने जैसा देखा कि मतलब इनका व्यू बहुत अच्छा है, गार्डन बहुत सारे फैसिलिटी दी है, वाईफाई की फैसिलिटी भी है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। फिलहाल कल रात को मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम किया था, अभी मॉर्निंग में भी काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वाईफाई का भी इनका कंटिन्यूटी अच्छा है, मतलब लैग नहीं होता है, और मतलब सब जगह जो कॉटेज है वहाँ पर भी वाईफाई है, प्लस विला है वहाँ पर भी वाईफाई, तो इनका वाईफाई का सेटअप भी अच्छा है, पार्किंग भी है, क्लीनिंग नेक्स भी है, और आवाज़ भी इतना नहीं होता, पीस भी नहीं है, पीस मतलब आवाज़ भी इतना नहीं होता है, पीस भी अच्छा है। आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ, देखो ये सारे कॉटेजेस है, मेरे पीछे भी देख सकते हो आप कॉटेजेस है। फिलहाल देखो यहाँ पे बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो लैपटॉप वगैरह भी सब ऑन है इनका, और यहाँ से भी वे है जाने के लिए। सो गाइस अभी लंच का टाइम हो चुका है तो अभी मैं लंच करने आया हूँ। यहाँ पे बुफे भी है बट फिलहाल अभी हम लोग मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वन बाय वन खाने के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए बुफे ठंडा हो जाएगा, मतलब खाना ठंडा हो जाएगा, तो इन लोग ने मतलब अभी हम लोग रिक्वेस्ट किया इसके लिए वो बुफे नहीं रखा है, मतलब फ्रेश एकदम बना के फ्रेश सर्व करें, जैसे कि मेरा थाली देख रहे हो आप। सो जैसे कि अभी मैंने वेज किया है तो यहाँ पे दो मतलब वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, फिलहाल मैं वेज खा रहा हूँ डाइट पे उसके लिए, तो मतलब आप आ रहे हो तो मतलब दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि वेज ही है या नॉन वेज ही है, और काफ़ी वैरायटीज़ भी है, मतलब दो टाइप की भाजी है, दाल है, भाकरी है, मतलब जो आप बोलेंगे वो वैसा प्रॉपर खाना आपको घर जैसा या फिर अच्छा क्वालिटी जैसा आप रिक्वेस्ट करोगे वैसा आपको दे देंगे। सो हम लोग ने अभी ऐसा रिक्वेस्ट किया इसके लिए हम लोग को फ्रेश ऐसा लोग तवे पे मतलब सब गर्म करके दे रहे हैं, और बुफे रहता था ठंडा हो जाता था, तो मैं आपको एक बार फूड का भी फोटो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं खाने के लिए देता हूँ। Thank you.
तो अब देख रहे हो जैसे अभी मैं खाने जा रहा हूँ, तो आपको टेस्ट बता दो मैं खाने का कैसा टेस्ट है। नो सोडा, खाना भी एकदम गर्म है, एकदम टेस्टी है। मतलब जैसा रिक्वेस्ट किया था मेरे को, लेस स्पाइसी हेल्दी, वैसे ही है। तो मैं पहले खाना खाता हूँ, फिर तो आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ जो जो मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। इस खाना हो गया है, अभी थोड़ा छाछ मिलेगा जो कि फर्स्ट टाइम इधर एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब आप कहीं भी फार्म हाउस में गए होगे तो आपको खाने के बाद ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो कम देखने को मिला होगा। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रहा है जो छाछ, और सेकंड थिंग आप देख रहे हो आइसक्रीम, जो बहुत मतलब बहुत लोगों का फेवरेट है खाने के बाद कुछ स्वीट डिश। तो अभी पहला छाछ पीते। एकदम कड़क छाछ बनाया था, छाछ पी के मज़ा आ गया। और अब तो ऐसा लग रहा है फुल फुल फूड हो गया है, और अभी नींद आने लग गई है, और पीछे इंजॉय भी करने जाना है, बट देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं आगे, और देखते हैं स्विमिंग पूल में जाना है कि बेड पे जाना है। मिलते हैं आगे फिर आपको। ये देखो स्विमिंग, मैं आपको क्लियर स्विमिंग पूल का व्यू बताता हूँ, जिसका डेप्थ ज़्यादा नहीं है, 4 और 5 फीट के बीच है। और इसका जो इसमें दो डिवाइड किया हुआ है पार्टीशन, एक बच्चों लोग के लिए और एक एडल्ट के लिए। तो बच्चे लोग के लिए इन्होंने अलग से एक पार्टीशन रखा है जो कि अच्छा है। ये देखो तो ये इनका स्विमिंग पूल है, और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, आप देख सकते हो इनका कॉन्फ्रेंस हॉल भी इन्होंने रखा हुआ है। ये देखो ये उनका छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है, और काफ़ी एरिया मतलब बड़ा है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था मेरा विला का भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं अभी आपको विला के अंदर का दिखाता हूँ कैसा सीन है। और मेरे बैकग्राउंड तो आप देख ही रहे हो। सो अभी ये मेरे पीछे जो मेरा विला है, अब मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा, और आपको मैं दिखाता हूँ इसका विला का अंदर क्या क्या है, और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या नहीं है, और कितना बड़ा है। हाँ, अभी फिर हम लोग अभी एंट्री मारते विला के अंदर। सो फिलहाल हम लोग ऑलरेडी यूज़ करे तो मेस रहेगा, तो उसे आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। सो ये विला का हॉल है, यहाँ पे देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट, किचन के लिए ऑप्शन दिया, फ्रिज दिया है, दैट इज़ गुड, और ऊपर फैन वगैरह दिया है, एसी दिया, टीवी भी दिया है विला का। ये अलग से बेडरूम है, इसके अंदर बेडरूम के अंदर इन्होंने वॉशरूम भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक बेडरूम है, सॉरी दो बेडरूम है, यहाँ पे भी एक बड़ा सा बेडरूम है, और वॉशरूम में भी है ही वॉशरूम। सो वॉशरूम में कोई तो बैठा है, सो मैं आपको उससे बाजू वाला वॉशरूम दिखाता हूँ। सो मतलब अभी जैसा आपने वो वाला रूम देखा, वैसे मैं आपको ये भी रूम दिखाता हूँ। सो ये रूम देखो, ये रूम काफ़ी बड़ा है, आई मीन सेम है, बेड बच जाता है इसके अंदर, मतलब काफ़ी लोग आराम से रह सकते हैं, और एकदम MBS है, काफ़ी ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी दिए इन्होंने, प्लस AC वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा है और कूल है। प्लस इन्होंने यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है अंदर ही, और वॉशरूम भी इनका अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, ये रहा उनका वॉशरूम। सो ये रहा इनका विला का पार्ट, रहा इनका विला का पार्ट। और जैसे ही इनकेस मेरे को चांस मिलता है जो यहाँ का मैनेज करते हैं उनसे बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी कांटेक्ट करता हूँ और आपको थोड़ी डिटेल्स देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। लेकिन उनका पहला वेट करते हैं, वो अभी यहाँ पे है नहीं, सो वेट करते आगे देखते आते तो उनसे मैं आपका कॉन्टेक्ट करा था। तो गाइस, जैसे मैं आपको बताया कैंप फायर भी है, आउटडोर गेम्स भी है, इंडोर गेम्स भी है, और जो यहाँ पे मैनेज करते हैं नीलसन डिसोजा समथिंग उसका नेम है, तो वही यहाँ पे मैनेज करते हैं। वो एक्चुअली आ नहीं पाए, तो उनसे हम लोग मिलके बात नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं उनका जो डिटेल्स है, नंबर्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। मतलब आप इनकेस अगर आप आ रहे हो तो आप उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करो, आपके मतलब जो क्वान्टिटी के हिसाब से आप अपना डिस्कस करो, और फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। सो
मेरे अभी ये इवनिंग व्यू है, क्या मस्त दिख रहा है देखो मेरे पीछे। इस मोस्ट ऑफ द मैंने आपको दिखाई दिया है और सारे डिटेल्स भी आपको शेयर कर दिए हैं। इन केस अगर कुछ मिस आउट होते तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो अभी एक्चुअली निकलने का टाइम हो गया इस इवनिंग से, कल हम लोग यही टाइम पे आए थे, मतलब अभी हम लोग निकलेंगे स्नैक्स करके फिर ये वीडियो मैं एंड करूँगा। सो गाइस हम लोग अभी स्नैक्स कर चुके, स्नैक्स में वड़ा था और जैसे मैंने आप बोला था हम लोग मैंगो ट्री में आए थे, सब चीकू का ही सब पेड़ वगैरह था, काफ़ी चीकू भी थे, तो आप देख सकते हैं चीकू हमने कितना पार्सल किया है, ये सारे के सारे चीकू हमारे और सारे हम लेके जाने वाले। सो गाइस अभी निकलने का टाइम हो गया हम लोग का, सो अभी हम लोग निकल रहे, कल ये टाइम पे आए थे, अभी ये टाइम पे निकल रहे। सो जो ये जो सारा स्पॉन्सर था हम लोग का, सो एक बार थैंक यू। तो हम लोग निकलते हैं और सारा ये रहा हमारा सारा ग्रुप, ये सब लोग बोलो हाय, ये बोलो व्लॉग में, बोलो बाय, थैंक यू। सो मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।